तो अनंतनाग में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आतंकवादियों ने बेगुनाह तीर्थयात्रियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आतंकवाद आस्था को झुका नहीं सकता, इसलिए टेररिस्ट अटैक के बाद भी अमरनाथ यात्रा जारी है। लेकिन आतंकवादी हमले का खतरा अभी टला नहीं है। आज हम आतंकवाद के इसी खतरे के लिए अलार्म बजाएंगे और आपको आगाह करेंगे। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों का कायराना हमला, आतंकियों ने 7 तीर्थयात्रियों को मार डाला, लेकिन आतंक के सामने नहीं झुकी आस्था। अगले साल फिर आएंगे, अभी लगातार हम 4-5 साल से हम लगा ही रहे हैं लगातार। कोई डर नहीं मुझे, और अगले साल मेरे को फिर आना है। अभी अमरनाथ जारी है, बाबा अमरनाथ की यात्रा। आतंकियों के खतरनाक साजिश के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों का कारवा आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, सुरक्षा बहुत कड़ी है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरा नेशनल हाईवे जो है सिक्योरिटी कवर में है, हर जगह पर सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं नज़र आ रहे हैं। पहले से ही सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया था, और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इनपुट पहले से था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कि ऐसा अटैक होने वाला है। और कल शाम को इसी स्पॉट पे, मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो हैं इस सड़क से आए और एक बाइक पे सवार थे और आगे जाके लेफ्ट में एक गली में घुस गए और फिर वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए और इसी जगह पर वो अटैक उन्होंने अंजाम दिया। इसी जगह वो बस भी मौजूद थी जिसमें यात्री सवार थे और उन यात्रियों पर फायरिंग की गई, और जिनमें से 7 यात्री ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ बैठे। अमरनाथ यात्रा के रूट के चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर है। जमीन से आसमान तक चाक चौबंद सिक्योरिटी रखी जा रही है ताकि फिर पाकिस्तानी दहशतगर्द अनंतनाग जैसी घटना को अंजाम देने में कामयाब न हो सके। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा अभी टला नहीं है। अगर सुरक्षा कवच में कहीं भी खामी आई तो आतंकवादी फिर से बेगुनाह श्रद्धालुओं को निशाना बना सकते हैं। आज अलार्म में हम आपको इसी खतरे से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, इसके अलावा श्रद्धालुओं को अपनी हिफाजत के लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए, किस तरह सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु आतंकवादी हमले में फंस जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह आतंकियों के हमले के बीच अपनी जान बचानी चाहिए, किस तरह वो शख्स बिना हथियार के अपने परिवारों और दोस्तों की हिफाजत कर सकता है और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर सकता है। तो आइए मिलकर अलार्म बजाते हैं और आतंकवाद को हराते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अनंतनाग में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस रूट पर हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सरकारी सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन यात्रियों को भी अपने स्तर पर एहतियात बरतनी चाहिए। सुरक्षा के नियमों की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये बस आतंकवादियों के उस शर्मनाक और बर्बर हमले की गवाह है जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। अमरनाथ के श्रद्धालुओं को ले जा रही इस बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की। दहशतगर्दों के इस हमले में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लगातार निगरानी जो है उसको यहां पर और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं इस समय हम एक नाका पॉइंट पर यहां पर मौजूद हैं और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहां पर हथियारों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस आप देख सकते हैं कि हर आने जाने वाली गाड़ी की यहां पर चेकिंग कर रही है और लोगों से यहाँ पे देख सकते हैं वो बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी गाड़ी में कोई संदिग्ध वस्तु तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तो जम्मू से श्रीनगर आज दोबारा से यात्रा जो है अटैक के बावजूद निकली है और पूरी सुरक्षा के साथ जो यात्रा है वो पहलगाम और बालटल पहुंची है और रास्ते में यहाँ पर कई एहतियातन कदम जो हैं वो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर उठाए गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और कोशिश यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज की यही है कि किस जिस तरह की वारदात कश्मीर में हुई है इस तरह की वारदात अमरनाथ यात्रियों के साथ कहीं ना हो। अनंतनाग में हुए इस आतंकी हमले के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े हुए, इनका जवाब मिलना
बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि जिस बस पर हमला हुआ वो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए इस हमले को सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसी होती है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। यात्रा की सुरक्षा में पुलिस, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के 35 से 40 हजार जवान तैनात होते हैं। राज्य में सीआरपीएफ की 250 कंपनियां मुहैया करवाई गई, इनमें 25 हजार जवान हैं। बीएसएफ ने यात्रा रूट में करीब 2000 जवानों को तैनात किया है। भारतीय सेना ने 5 बटालियन मुहैया करवाई है ताकि किसी भी अनहोनी को समय रहते रोका जा सके। फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस की अतिरिक्त 54 कंपनियों को लाया गया। यात्रियों और यात्रा रूट पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और रास्ते में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यात्रा रूट और आधार शिविरों के आसपास जैमर लगाए गए हैं। ये तो सरकारी इंतजाम है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के दौरान आम श्रद्धालुओं को भी कुछ एहतियात बरतना चाहिए। यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा का परमिट मिलता है। अमरनाथ यात्रियों को अपनी बसों का रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अनंतनाग में बस ड्राइवर चालक ने तीर्थयात्रा के नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्रा वाहन को राजमार्ग पर चलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सुरक्षा कवर हटा लिया जाता है। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, अनंतनाग। आतंकवादी हमले का खतरा सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, दिल्ली से मुंबई तक तमाम बड़े शहर आतंकवादियों के निशाने पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर कोई शख्स आतंकवादी हमले के दौरान फंस जाए तो वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को किस तरह बचा सकता है। आतंकवाद का काला साया देश पर मंडरा रहा है, चाहे कश्मीर घाटी हो या फिर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर, आतंकवादी हमले का खतरा बना रहता है। समय समय पर सुरक्षा एजेंसियां टेररिस्ट अटैक का अलर्ट भी जारी करती हैं। खुफिया एजेंसियों को कई बार आतंकियों की साजिश का सुराग मिल जाता है और वो उनके नापाक इरादों को नाकाम कर देती हैं। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब देश को आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। मुंबई में 26/11 का अटैक हो या फिर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, इस तरह के खूनी हमलों में आतंकवादी बेकसूरों के खून से होली खेलते हैं, बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। अब सवाल है कि अगर कोई आम शख्स अचानक आतंकवादी हमलों के निशाने पर आ जाए तो वो किस तरह अपनी सुरक्षा करेगा, वो किस तरह दहशतगर्दों के हमले से अपने परिवार की हिफाजत करेगा। अगर कोई व्यक्ति या परिवार बस से या कार से सफर कर रहा है और जिस तरह से अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई बस पर आतंकवादी हमला हुआ है, किसी ऐसे आतंकी हमले से उसका सामना हो जाता है, तो फिर सबसे पहले उस व्यक्ति या परिवार को धैर्य बनाए रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर किस दिशा से हमला हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में उस परिवार को जाना चाहिए और अगर हो सके और भागना संभव ना हो तो फिर किसी चीज़ की आड़ लेकर या सीट के नीचे तब तक छुपे रहना चाहिए जब तक कि मदद या सुरक्षा बल नहीं पहुँच जाते। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया, वैसे हमले में अगर कोई आम शख्स फंस जाए तो वो किस तरह अपनी जान बचा सकता है। एंटी टेररिस्ट मिशन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे मौके पर धैर्य बनाए रखना चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर वहाँ छिप जाना चाहिए। आतंकवादी हमले के दौरान बचाव की रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि हमला किस जगह और किन हालात में हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आम पब्लिक को ये बताऊंगा कि ऐसे अटैक की स्थिति में कभी भी, जैसे ये तो गोलीबारी का अटैक है, मान लो कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ कहीं पड़ी हो या कोई ऐसी सस्पेक्टेड चीज़ उनको नज़र आए तो इमीजिएटली कंसर्न अथॉरिटीज़ को या पुलिस को इमीजिएटली बताएं, क्योंकि कोई भी नावारिस चीज़ बम हो सकती है। कई बार पुलिस की तरफ से भी और कई जगह से ये मैसेज पब्लिक को जाता है। और उसके अलावा अगर कोई नावारिस चीज़ के अलावा कोई गोलीबारी की कोई बात होती है, किसी भी तरह जहां भी सुरक्षित जगह उनको छुपने के लिए मिले तो वो पहले अपने आप को जान बचाएं, उसके बाद बाकी सारी कार्रवाई होती है। आतंकवादी हथियार बंद होते हैं, वो पूरी सुनियोजित प्लानिंग के साथ हमला करते हैं। उनका इरादा मरने मारने का होता है, इसलिए उनके साथ सीधा मुकाबला उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसे आर्मी, पुलिस या सेल्फ डिफेंस की बाकायदा ट्रेनिंग मिली हो, और इस काम में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, अगर यंग कोई आदमी है जिसने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई है तो वो अपने आप को गोली से बचाते हुए अगर कोशिश करे तो अटैक करने वाले की तरफ तक जा सकता है। वो बड़े धैर्य का काम है और बहुत ही ज़्यादा वीरता के साथ में कोई अगर किसी आदमी ने ट्रेनिंग इस प्रकार के लिए हुई वही कर सकता है। अदरवाइज कोई आम आदमी जो बिना ट्रेनिंग के है वो अगर करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। देश के जहन में आज भी मुंबई में हुए 26/11 हमले के जख्म ताज़ा हैं, जब कसाब और उसके साथी
पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था और 260 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। मुंबई में हुए देश के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 जैसे हमले की अगर जद में आप आते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि किस स्थान पर आप सुरक्षित हो सकते हैं। अपनी जान बचाइए, सबसे पहले अपनी जान की फिक्र कीजिए और जब आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं तब और लोगों की जान की भी चिंता कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि उन लोगों को भी किसी तरह से आप मदद मुहैया करा सकें। लेकिन उस स्थिति में भी सबसे बड़ी चीज़ है हौसला, हिम्मत और धैर्य, जो कि आपको बनाए रखना है। मुंबई में 26/11 के हमले के दौरान आतंकियों ने बहुत से लोगों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा था। अगर बदकिस्मती से कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए तो उसे पैनिक नहीं होना चाहिए, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर किसी परिवार को बंधक बना लेते हैं तो उस परिवार के पास तो कोई और उपचार है नहीं। वो जो भी बंधक बनाने की स्थिति में पुलिस या कोई और एजेंसी उस बंधक को छुड़वाने के लिए जो कार्रवाई करती है तो जो उनका इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश हैं जो पुलिस के या किसी और एजेंसी के जो उस बंधक परिवार को छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को धैर्य से पालन करें, घबराएं नहीं, पैनिक ना फैलाएं। अगर होटल, इमारत या घर जैसी जगहों पर आतंकवादी हमला होता है तो तुरंत खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए ताकि आतंकवादी वहाँ घुस ना पाएं। ये सब चीज़ें अपने अपनी जगह पर डिपेंड करता है किस जगह पर अटैक हुआ है। मान लो घर पे अटैक हुआ है और घर के दरवाजे, अगर घर के बाहर से अटैक हो रहा है तो दरवाजे, खिड़कियां सब बंद करें और अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाएं। इसी प्रकार से अगर किसी होटल में होता है तो होटल में अगर आम ओपन जगह पे अगर हो रहा है तो जहां भी तुरंत भागकर और तुरंत ऐसी जगह पे सुरक्षा की जगह को चुन ली जाए और वहां पे अपने आप को बचाना चाहिए। हमले के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है घायलों की जान बचाने की। इसके लिए बिना वक्त गंवाए जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अगर किसी आतंकवादी हमले में कोई घायल हो जाता है तो उसको छोड़े नहीं, फौरन उसको मदद मुहैया कराने की कोशिश करें। सबसे पहले कोशिश करें कि अगर खून बह रहा है तो उसका खून बहने से रोकें और उसको जितने जल्दी हो सके निकट के अस्पताल ले जाएं। और अगर ऐसी स्थिति हो कि आप खुद घायल हो गए हैं तो हौसला बनाकर रखिए, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी स्थिति में चोट से ज़्यादा जानलेवा आपका डर और खौफ होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंजर्ड आदमी अपने आप में इतना घबरा जाता है कि वो इंजरी से ना मरकर वो दिल का दौरा पड़ जाता है। इसीलिए अगर कोई इंजर्ड हो जाता है सबसे पहले उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बच जाऊँगा और इतनी देर में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल मिल जाता है तो वो उसको अपने आप को बचा भी सकता है। आतंकी हमले से बचने के लिए आम लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई भी लावारिस या संदिग्ध चीज़ दिखे तो पुलिस को तुरंत खबर करें। किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार सूचनाएं जुटा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। वो अपने आँख कान खुले रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना बिना देर किए फौरन पुलिस को दें। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। अलार्म में आज बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।